बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। राना शहबाज पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से। बहरिया टाउन कराची में इस वक्त विलाज की क्या कीमतें हैं और इस वक्त मार्केट कैसी चल रही है? तमाम विला जो बहरिया ने बहरिया टाउन कराची में दिए, बहरिया ने खुद बनाए, उनके ऊपर बात करेंगे, एक तफसील के साथ बात करेंगे। जो भी हमारे कस्टमर्स और व्यूअर्स हैं जो बहरिया टाउन कराची में अपना विला ख़रीदना चाहते हैं या उनका खुद का विला है और वो उसको सेल करना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। मार्केट काफ़ी ख़राब हो या बेहतर हो, तो जितनी भी मार्केट गिर जाए उसमें जो रेडी प्रॉपर्टी होती है उनके रेट जो है वो इस तरह नहीं गिरते जिस तरह एक खाली प्लाट के रेट जो है वो कम होते हैं। हमने देखा है कि पीछे तकरीबन 6 से 8 माह में प्लाटों की कीमतें काफ़ी कम हुई हैं। लोगों ने जिस कीमत पर प्लाट ख़रीदे थे उस कीमत पर भी प्लाट जो है वो दोबारा नहीं बिक रहे, लेकिन जिन लोगों ने रेडी विला ख़रीदे थे या कोई भी रेडी अपार्टमेंट या कोई भी इस तरह की चीज़ जो परचेज़ की थी उनके रेट जो है वो कम नहीं हुए। तो सबसे पहले विलाज की हम बात करेंगे, तो कायद विला आते हैं सबसे पहले, जो कि प्रिसेंट 2 में मौजूद हैं, जो कि हमने विलाज में लिखा हुआ है कायद विलाज प्रिसेंट 2 में ये मौजूद हैं। 200 स्क्वायर यार्ड का ये विला है और इसमें 3 बेडरूम है, गेट के बिल्कुल पास आ जाते हैं, मेन जना के बिल्कुल साथ आप जैसे ही इंटर होते हैं बहरिया टाउन में, तो प्रिसेंट 1 के बाद प्रिसेंट 2 और उसमें कायद विला। तो इसमें ये 200 स्क्वायर यार्ड में मुश्तमिल है। इस वक्त इनकी जो करंट कीमत है वो तकरीबन 2.50 करोड़ से लेकर 2.70 करोड़ के दरमियान में इसकी कीमत है। कीमत 2.50 से 2.70, 20 लाख का डिफरेंट ये मैं बताता चलूँ कि सब विलों में इस वजह से है। कोई जो बैक स्ट्रीट में विले हैं वो सस्ते होते हैं, अगर आपके पास कोई कॉर्नर या पार्क फेस का विला है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। कैटागरी विला जो कहलाता है, रोड के ऊपर आपके पास विला है तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। उसके बाद इकबाल विला जो कि प्रिसेंट 2 में ही मौजूद हैं, ये 152 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल है, इसमें भी 3 बेडरूम है और बड़ी अच्छी लोकेशन है। कायद विला और इकबाल विला दोनों एक ही प्रिसेंट में आते हैं और दोनों साथ साथ मौजूद हैं। इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 1.90 करोड़ से लेकर 2.20 करोड़ के दरमियान जो है वो हमें मिल जाती है। यहाँ पे मैं रेंट की भी बात करूँगा, अगर 200 स्क्वायर यार्ड का विला आपके पास है तो उसका इस वक्त रेंट जो है वो 70 से 80 हज़ार पर चल रहा है, और अगर आपके पास इकबाल विला है तो वो आपको तकरीबन 50 से 60 हज़ार महाना जो है वो रेंट पर आपको विला मिल जाता है। इसके बाद प्रिसेंट 10A का विला आता है। प्रिसेंट 10A का जो विला है वो भी 200 स्क्वायर यार्ड पे मुश्तमिल है, वही सेम फ्रंट एलिवेशन है कायद विला की और 200 गज़ पे ही मौजूद है। इसका जो करंट रेट इस वक्त है वो 2.10 करोड़ से लेके 2.40 करोड़ के दरमियान है। ये 2.50 से 2.70, ये 2.10 से 2.40, लोकेशन जो है वो डिपेंड करती है क्योंकि कायद इकबाल विला शुरू में है, प्रिसेंट 10A थोड़ा सा आगे जाके आते हैं, लेकिन हाइट लोकेशन है ये भी, इस वजह से इसके रेट जो है वो ये हैं। अच्छा, 11A में 2 है, एक 152 गज़ के विला है, 200 गज़ के विला है। 152 गज़ के जो विला है वो 1.70 से 1.90 के दरमियान आपको मिल जाते हैं और ये भी 3 बेडरूम है। जितने भी अभी तक मैंने आपको विला बताए हैं सारे के सारे 3 बेडरूम हैं। 1 बेडरूम जो है वो ग्राउंड पे है, 2 बेडरूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे दिए गए हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम, किचन और डाइनिंग और एक जो है वो गेस्ट दिया गया है। अच्छा, इसमें 200 गज़ के जो विले हैं उनकी कीमत जो है वो 1.90 से लेके 2.10 के दरमियान है। रेंटल रिटर्न इसका अगर आप लेना चाहते हैं तो वो 45 से 50-55 हज़ार में आपको 10A और 11A में 200 गज़ का विला मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद 11B में 152 गज़ के विला हैं जो 1.60 से 1.70 की ब्रैकेट में आते हैं। ये 11B के विलाज और ये जो शुरू में आते हैं इकबाल विला, ये दोनों सेम एलिवेशन और सेम मतलब के उसके ऊपर मौजूद हैं, वो भी 152, ये भी 152। इसका जो रेट है वो 1.60 से 1.70 है, ये 1.90 से 2.20, ये भी सिर्फ लोकेशन की वजह से है। अच्छा, इसके बाद प्रिसेंट 27 के विला आते हैं जो कि 235 स्क्वायर यार्ड पे मुश्तमिल है। इसमें भी 3 बेडरूम है, 1 बेडरूम वही ग्राउंड पे और 2 बेडरूम जो है वो फर्स्ट पे आते हैं। प्रिसेंट 27 में फ्रंट पे भी विला आते हैं, बैक पे भी विला आते हैं। फ्रंट के जो विला हैं वो 180 प्लस 185 190 तक की ब्रैकेट में है, जो बैक साइड पर आपको विला मिलते हैं वो 170 तक की ब्रैकेट में आपको मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रिसेंट 31 में अगर हम जाएँ तो 31 में भी 3 बेडरूम, 235 गज़ के विला,
उनकी कीमत जो है वो भी तकरीबन 175 से लेके 2 करोड़ 10 तक के दरमियान में है। प्रिसेंट 31 और 35 जिसको स्पोर्ट सिटी कहते हैं, ये दोनों साथ साथ हैं। प्रिसेंट 31 के साथ जो है वो प्रिसेंट 35 आ जाता है। स्पोर्ट सिटी विला, स्पोर्ट सिटी विला जो है वो 4 बेडरूम पे मुश्तमिल है। उसमें ग्राउंड फ्लोर पर भी 1 बेडरूम है, फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम है। उनकी जो कीमत है स्पोर्ट सिटी की, ये 2 करोड़ 30 से शुरू होती है और तकरीबन 3 करोड़ तक के ये विला हैं। 350 स्क्वायर यार्ड जो है वो इनका कवर्ड एरिया है। अच्छा, उसके बाद प्रिसेंट 51 में आते हैं पैराडाइज विला, ये 500 गज़ पे मुश्तमिल है और बहरिया टाउन कराची में इस वक्त सबसे जो बड़े विला हैं जो बहरिया ने ख़ुद कंस्ट्रक्ट करके दिए उनमें से आते हैं। इनको पैराडाइज विला भी कहा जाता है क्योंकि ये बहरिया पैराडाइज में आते हैं। तो इनकी कीमत जो है वो 450 से 550 के दरमियान है। 450 में आपको जो है वो विदाउट की जिसके ऊपर काम चल रहा है वो मिलेगा। अगर आप रेडी विला लेना चाहते हैं तो वो आपको 5 करोड़ से ऊपर मिलेगा। 5 करोड़ 20 से शुरू हो गए 5 करोड़ 50 लाख तक। तो ये सारे वो विलाज़ हैं जो बहरिया टाउन कराची में इस वक्त मौजूद हैं और तमाम विलाज़ ऐसे हैं जिनमें फैमिलीज़ जो हैं वो इस वक्त रह रही हैं, रेडी टू मूव हैं। आप अगर विला लेना चाहते हैं तो आप आके वहाँ पे अपनी रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं। तो इन तमाम विलाज़ में अगर आप अपना विला रेंट आउट करना चाहते हैं या इसके अलावा आप सेल करना चाहते हैं या विला परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मौजूद होंगे, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।